नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का पेपर जो इससे पहले 2016 में हुआ था 19 दिसंबर को। तो जो भी बच्चे देखिए पहली बार पेपर देने जा रहे हों या जिनके पास पेपर नहीं हो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रखा है इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग ये पेपर है वो 5 पार्ट में अपलोड करेंगे। जो हम लोग का पहला पार्ट है वो बाल मनोविज्ञान का है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों जो हम लोगों का पहला देखिए बाल मनोविज्ञान से हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला थॉर्नडाइक, दूसरा कोलहर, तीसरा पॉलो और चौथा वुडवर्ड। तो दोस्तों जैसा हम लोग का सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, कोलहर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। पहला प्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा सीखना और चौथा प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन था वो था हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विस्मृति को कम करने का उपाय है। देखिए सीखने में कमी भी, दूसरा सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, तीसरा पाठ की पुनरावृत्ति, चौथा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो दोस्तों जो हम लोगों का इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखिए विस्मृति का अर्थ है अधिक समय तक स्मरण रखने या स्मृति में धारण करने की क्षमता का न होना। सुसर वाचन, स्मरण के बाद विश्राम, पाठ की पुनरावृत्ति आदि विस्मृति को कम करने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए क्रोध व भय प्रकार हैं। देखिए किसके हैं, अभिप्रेरणा का है, संवेग का है, परिकल्पना का है या मूल वृत्ति का, या मूल प्रवृत्ति का। तो दोस्तों जो हम लोग का इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, संवेग। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए प्राचीन भारत साहित्य के अंतर्गत आठ प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया गया। पहला हम लोग का प्रेम है दोस्तों, दूसरा आमोद प्रमोद, तीसरा ऊर्जा, चौथा आश्चर्य, पांचवा क्रोध, छठा जो है वो शोक है, सातवां घृणा है और आठवां जो है वो हम लोग का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स देखिए दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। पहला है सीखना, दूसरा अनुकरण और तीसरा है कल्पना और चौथा चिंतन। तो दोस्तों व्यवहार करने की दूसरे व्यक्ति के बाय व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं हम लोग, उसे अनुकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स देखिए यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार को सीखने में नए सहायता करता है तो उसे कहते हैं। पहला नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा है वो प्रशिक्षण स्थानांतरण, चौथा सीखना। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संक्रमण वर्ण जो है वो आमतौर से दो प्रकार के होते हैं, पहले सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला कल्पना, दूसरा स्मृति, तीसरा विस्मृति, चौथा ध्यान। तो दोस्तों जिसका हम लोग का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी विस्मृति का, यानी उसे असफलता को विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स देखिए टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। पहला है मंद बुद्धि, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा है हम लोग का श्रेष्ठ बुद्धि और चौथा है क्षीण बुद्धि। तो दोस्तों जो हम लोग का इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो होगा सामान्य बुद्धि। देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में सब लिख दिया गया कि मतलब कौन कौन सी बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि माना जाता है या वो माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए इसमें टर्मन ने हम लोगों को बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र बताया था। देखिए क्या था वो, बुद्धि लब्धि बराबर देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, अब देखिए बुद्धि लब्धि के मान है देखिए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया। देखिए 140 से अधिक हैं वो प्रतिभाशाली हैं, 120 से 39 हैं वो अतिश्रेष्ठ हैं। देखिए बच्चे को, जिन भी बच्चों को लिखना है वो पॉज करके वीडियो अपना लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देखिए सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। देखिए पहला है बिल्ली पर, दूसरा है कुत्ते पर, तीसरा है बंदर पर और चौथा है चूहे पर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या था, इसका सही ऑप्शन था हम लोगों का कुत्ते पर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने भूखे कुत्तों पर प्रयोग किया। पावलोव के अनुसार विभिन्न प्रकार की आदतें जो किसी प्रकार के प्रशिक्षण तथा अनुशासन पर आधारित हैं वे अनुकूलन की एक लंबी श्रृंखला मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। देखिए कमोसियन ने दिया था, कमेनियस ने दिया था, या हॉल ने दिया था, या हॉलिंगवर्थ, या डी फ्रॉयड। तो दोस्तों जो हम लोग का सही ऑप्शन था वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी फ्रॉयड। देखिए मानव व्यक्ति ने मनोलैंगिक विकास को
को फ्रॉयड ने महत्व दिया था। फ्रॉयड के अनुसार जन्म के समय प्रत्येक शिशु में लैंगिक ऊर्जा विद्यमान रहती है, जो कि लैंगिक विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरती है। फ्रॉयड के इस दृष्टिकोण को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास का वर्णन 5 अवस्थाओं के अंतर्गत लैंगिक विकास के रूप में भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुड ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, या फिर पॉलॉ ने किया था, या वॉटसन ने किया था? तो दोस्तों जो हम लोग का था ये था डब्ल्यू वुड ने, और कब किया था? 1879 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का 12वां है। देखिए एक्सप्लेनेशन जिसको भी देखना है, देखिए भारत में सर्वप्रथम, इससे पहले क्वेश्चन का, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने की थी, ये भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेस्टॉल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रॉस्ट ब्रेंटोनो ने रखी थी, या मैक्स वर्मिथर ने रखी थी, या एडिगर रूबिन ने रखी थी, या कर्ट लेविन ने रखी थी? तो दोस्तों जो हम लोग का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। देखिए गेस्टॉल मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्थिमर ने रखी थी, जिस समय अमेरिका में वॉटसन के ने व्यवहारवाद की स्थापना की, करीब करीब उसी समय जर्मनी में गेस्टॉल मनोविज्ञान की स्थापना की गई। गेस्टॉल स्कूल की स्थापना थिमर ने 1912 ईस्वी में किया। कोलर तथा कोनाया इस स्कूल के सह संस्थापक थे। फाई घटना से ही गेस्टॉल मनोवैज्ञानिक की नींव पड़ी समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए संगणन सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? अधिगम, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा स्मृति, चौथा सृजनात्मक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान है? पहला व्यवहारवादियों, दूसरा संरचनावादियों, तीसरा तीसरा है मनोविश्लेषकों का, चौथा है गेस्टॉलवादियों का। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो गेस्टॉलवादियों का है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टॉलवादियों का योगदान है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेविन ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लिख लीजिए आप लोग। वे गेस्टॉलवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए उन्हें गेस्टॉलवादी का भी सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला व्यक्तित्व, दूसरा रुचि, तीसरा बुद्धि, चौथा अभी क्षमता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग किसी कॉपी में लिखते भी चलिए, अगर जिसको क्वेश्चन में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। देखिए नागपुर में चंद्रमोहन भाटिया ने वर्ष 1955 में प्रसिद्ध भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण को तैयार किया तथा भाटिया बैटरी का प्रयोग बच्चों की बुद्धि को ज्ञात करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मापनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड, देखिए हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला है ए, बुद्धि की प्रकृति, दूसरा है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, और तीसरा है वो मूल्यों का विकास, और चौथा है हम लोगों का किशोरों का मनोविज्ञान। तो दोस्तों जो इसका हम लोग का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, किशोरों का मनोविज्ञान। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। जीएच हॉल ने किशोर अवस्था के स्वरूप की व्याख्या पुनरावर्तन के आधार पर करने का प्रयास किया। वे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। हॉल के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणा जो है वो पुनरावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा अभिप्रवृत्ति, और चौथा है वो अभिक्षमता। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी उसे अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है समूहकारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफर्ड का सिद्धांत, चौथा फ्लोइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो है गिलफर्ड का सिद्धांत। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संज्ञान गिलफर्ड का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफर्ड ने सक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में बांटा। पहला मूल्यांकन, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, और चौथा है स्मृति धारण, और पांचवा है स्मृति अभिलेखन, और छठा है संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए
देखिए 8 वर्ष के सुधीर के मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था बुद्धि लब्धि का, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे तो जो इसका हम लोगों का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, देखिए संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला जेम्स लैंग का सिद्धांत, दूसरा है हाइपोथैलेमिक का सिद्धांत, और नेक्स्ट और तीसरा है फ्रेंड्स हम लोगों का ये सक्रियता सिद्धांत, और चौथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो दोस्तों हम लोगों का क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स लैंग का सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। बताइए द्वंद है, कुंठा है, सी चिंता है, चौथा तनाव। तो दोस्तों जो हम लोग का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा का विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, और चौथा है शारीरिक विकास। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन था वो हम था ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। एक्सप्लेनेशन देखिए कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने पियाजे के कार्य को आगे बढ़ाकर उन्नत बनाते हुए यह कहा कि बच्चों में नैतिक विकास को 2 चरणों में नहीं बल्कि 3 चरणों में पूरा होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास जो है वो 2 चरणों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, देखिए अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। पहला हल ने, दूसरा थॉर्नडाइक ने, तीसरा स्किनर, चौथा वॉटसन। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, देखिए दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। देखिए बहुलक, दूसरा है मध्यमान, तीसरा है मध्यांक, और चौथा है मानक विलयन। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें बार बार आती है तो उसे बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किस डैस ने किया था। देखिए पॉलॉन ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, कोलर ने किया था। तो दोस्तों देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला है देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत, और चौथा है विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। व्यक्ति विकास की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर की गई है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा एवं वोल्टर्स ने अपनी पुस्तक, देखिए इन लोगों की पुस्तक है, देखिए सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व विकास में पर्यावरणीय परिस्थिति के महत्व को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए मानसिक आयु का प्रत्यय दिया, देखिए बिने साइमन ने दिया, दूसरा है स्टर्न ने दिया, और तीसरा है टर्मन ने, और चौथा है सिरिल बर्ड ने। तो दोस्तों जो हम लोग का इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिने साइमन ने दिया। एक्सप्लेनेशन देखिए सर्वप्रथम मानसिक आयु प्रत्ययों का प्रयोग अल्फर्ट बिने ने किया। इन्होंने अपना मत प्रकट किया कि वास्तविक आयु में वृद्धि के साथ साथ मानसिक आयु में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। देखिए तत्परता का नियम है, दूसरा है तनाव का नियम है, तीसरा प्रभाव का नियम है, चौथा जो है हम लोग का अभ्यास का नियम है। तो दोस्तों इसका हम लोग का सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। देखिए तनाव जो का नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। किसका, पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, देखिए पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, दूसरा यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो दोस्तों जो हम लोग का इसका सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों ये थे हम लोगों के देखिए बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, और
दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोगों का हिंदी का होगा कि हिंदी के 30 क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।